अपनाएं शिव पुराण के ये चमत्कारी उपाय, भगवान शिव की कृपा से नहीं टलेगा कोई काम। शिव पुराण में भगवान शंकर की महिमा का वर्णन है। भगवान शंकर बहुत दयालु हैं। कोई भक्त यदि इन्हें सच्चे मन से याद कर लेता है तो वे उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में यदि आपके लाइफ में नौकरी, कारोबार, करियर, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, सेहत, संतान सुख या लव लाइफ जैसी समस्या है, तो आज हम आपको शिव पुराण के कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे करने से भगवान शंकर की कृपा से सभी परेशानी दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, तो भगवान शिव की जौ में तिल मिलाकर पूजा करें। वहीं कंगनी द्वारा भगवान शंकर की पूजा करने से समस्त सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप 5 सोमवार भगवान पशुपतिनाथ के नाम पर उपवास रखें। इस व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए करें। इस व्रत का विधि विधान से पालन करने पर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि आप पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आप नियमित सुबह स्नान करने के बाद जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप शनि के प्रभाव से पीड़ित हैं तो आप भगवान शिव को अखंड अक्षत बिना खंडित चावल चढ़ाएं, साथ ही काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से शनिदेव से मुक्ति मिलती है। यदि आपने संतान हैं या संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो सोमवार के दिन गेहूं के आटे से बने हुए पकवान अर्पित करें। साथ ही हर रोज शंकर जी का गेहूं के दाने से पूजन करें। इस उपाय को करने से संतान सुख में वृद्धि होती है। यदि आप हमेशा बीमार रहते हैं और शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो रोजाना भगवान शिव का गाय के घी से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव की कृपा से शरीर की कमजोर दूर होती है। यह सभी उपाय शिव महापुराण से लिए गए हैं, और अगर आप विश्वास के साथ इन उपाय को करें तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करें।